तो दोस्तों फाइनली हमारे पास जो है पीसी का सारा सामान आ चुका है। हम मार्केट से पूरा ढूंढ ढूंढ के ले आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बॉक्स है, दो बॉक्स दिख रहे हैं, मैं ठीक से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा पीसी का सामान आ चुका है, तो हम एक एक करके उसको निकालते हैं और फिर करेंगे उसको बिल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अपना गेमिंग पीसी बिल्ड। तो चलिए सामान निकालते हैं। पहले हम अपना कैबिनेट निकालते हैं, तो पहले हम करेंगे कैबिनेट को ओपन। यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम निकालते हैं बाहर। देख सकते हैं ये हमारा जो है गेमिंग कैबिनेट है। वैसे बहुत ही बढ़िया वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ आरजीबी लाइट के साथ आया है, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम ही बढ़िया लगेगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक एक करके मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है गीगाबाइट का P6500B पावर सप्लाई, ठीक है, देख सकते हो। ये है हमारा मदरबोर्ड B450MDS3H, देख सकते हैं यहां पे। ये है हमारी 16 GB की रैम XPG गेमिक्स D13 16 GB, ठीक है, 3200 MHz की है, दो स्टिक्स हैं। ये रहा हमारा Ryzen 7 5000 सीरीज प्रोसेसर, AMD Ryzen 7 5800X 8 कोर 16 थ्रेड। और ये रही हमारी SSD Samsung की SSD 980 NVMe M2 SSD, ठीक है। इसकी रीड स्पीड जो है 3500 MB/s है, और 1 TB की है, सैमसंग की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा लिक्विड कूलर है। देखिए दोस्तों, ये हमारा लिक्विड कूलर है, 3070 है, 8 GB का जोटा का ग्राफिक था। ये जो हेडफोन है हमको फ्री में मिला है, बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। तो इसका रिव्यू भी मैं करूँगा अपने YouTube चैनल पे कि हाँ ये ले सकते हैं कि नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे कितने का आता है। फिलहाल मैंने देखा नहीं, फ्री में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास हेडफोन है, ठीक है, यहाँ पे 8 GB ग्राफिक कार्ड है RTX, लिक्विड कूलर है, 1 TB SSD है, Ryzen 7 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर है, 16 GB की दो स्टिक है यानी कि 32 GB रैम है, मदरबोर्ड है, और SMPS है, और गेमिंग कैबिनेट है। हाँ तो इसको बिल्ड कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, और बिल्ड होने के बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, बिल्ड करते हुए एक झलक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाली SSD लगाई है मैंने, ये जो हमारा Ryzen 7 है वो लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है कूलर के फैन है, ये हमारी रैम है, अभी तक मैंने निकाली नहीं है, ये हमारा ग्राफिक कार्ड है, और ये हमारा जो है लिक्विड कूलर, ठीक है, और बाकी की चीज़ें अभी तक खोली नहीं है। तो बिल करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार वापस से, ठीक है। तो दोस्तों, रात भर हमने मेरा पीसी बिल्ड किया, पूरा 1 बज गया सॉफ्टवेयर वगैरह लगाते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है पीसी बन के तैयार हो चुका है, और क्या मस्त चमक रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है ग्राफिक कार्ड का लाइट है, ये पीछे वाला फैन है, ये लिक्विड कूलर है, यहाँ पे देखो रैम RGB नहीं लिया है मैंने, ठीक है, और ये ऊपर वाला फैन है। एक फैन जो है गलती से हमने उल्टा लगा दिया है, तो ये हवा जो है बाहर की तरफ फेंक रहा है, और ये दूसरा वाला जो है
अंदर की तरफ, ठीक है। और लिक्विड कूलर का फैन दो आगे की तरफ लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रहे दो फैन, और नीचे वाला फैन जो है वो सीपीयू फैन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं यहाँ पे AMD Ryzen 7 8 कोर प्रोसेसर है, 32 GB रैम है, और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मोर डिटेल परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप GPU देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला GPU है NVIDIA का, ठीक है। 8 GB ग्राफिक कार्ड है हमारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप तो चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आपको PC कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।